अब मैं माननीय आलोक मेहता जी से आग्रह करूंगी कि वो मंच पर आए और हमारी ऑडियंस को एड्रेस करें। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। बिहार एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन के सम्मानित अध्यक्ष श्री अनुराग जी, इस समारोह में उपस्थित बिहार सरकार के माननीय मंत्री, हमारे बड़े भाई माननीय मंत्री भवन निर्माण श्री अशोक चौधरी जी, श्रीमती अन्ना राय जी नीति आयोग की सीनियर एडवाइजर, फादर ऑफ बेबी कॉर्न के नाम से जाने वाले पद्मश्री श्री कमल कुमार सिंह जी, कमल सिंह चौहान जी, सीनियर कंसल्टेंट वर्ल्ड बैंक के श्री राजेश सिंह जी जो बिहार से ही रहने वाले हैं, श्री बीए के प्रेसिडेंट श्री पंकज कुमार जी, श्री जितेश जी बीए के वाइस प्रेसिडेंट, मिस्टर जोसेफ रामेक जी, मिस सीमा गोयल जी IFCI वेंचर कैपिटल, अरुण कुमार शर्मा जी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर यस बैंक। इस ऑडिटोरियम में उपस्थित बिहार के कोने कोने से आए हुए एंटरप्रेन्योर्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, अदर डिग्निटरीज ऑफ द डायस और इस ऑडियंस में जो बैठे हैं, आज का यह अवसर बड़ा ही सुखद अवसर है और देखकर बहुत मन हरा भरा हो रहा है कि बिहार में एंटरप्रेन्योर्स की संख्या बढ़ रही है और एसोसिएशन सेल्फ डिपेंडेंट हो रहा है। ये बड़ी बात है क्योंकि एसोसिएशन का बड़ा रोल होता है और पॉलिसी मेकिंग जब गवर्नमेंट की होती है तो आप अपनी बातों को यूनाइटेडली गवर्नमेंट के सामने एसोसिएशन के माध्यम से यदि रखते हैं तो उसमें इम्फेसिस और उसमें वजन दोनों ज़्यादा होता है। ये बात किसी भी एसोसिएशन पर लागू होता है लेकिन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन या बिहार की के एंटरप्रेन्योर्स के आंतरिक मजबूती का प्रतीक बनता जा रहा है। मैं उनके ऑर्गेनाइजर्स मैं धन्यवाद देना चाहता हूं स्वराज सिन्हा जी का और अन्य साथियों का जिन्होंने लगातार एसोसिएशन और एक्टिविटीज के बारे में हमें अपडेट किया है और टाइम टू टाइम मैं उनकी और आप कई साथियों की वजह से आपके बीच कभी आता रहा हूं और आपकी जानकारी मुझे मिलती रही। मैं इस अवसर पर अपने सीनियर कॉलेज और हमारे बड़े भाई श्री अशोक चौधरी जी जिनका इंटरेस्ट ये मतलब एंटरप्रेन्योरशिप में काफ़ी रहा है और मैं देखता हूँ कि जहाँ जहाँ मैं मुझे बुलाया जाता है मुझसे पहले इनको बुलाया जाता है, इसका मतलब हम लोग का इंटरेस्ट बहुत कॉमन है और मैं इसके लिए अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। ऐसे कई फोरम हैं जहाँ पर जो के कोई सब्जेक्ट नहीं है, मैं तो राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री हूँ, मैं गन्ना उद्योग मंत्री हूँ, ये पहली बार उद्योग शब्द से जुड़ा हुआ पोर्टफोलियो मुझे मिला है और लेकिन मेरा इंटरेस्ट उद्योग में बहुत रहा है और मैं खुद एक एंटरप्रेन्योर रहा हूँ इसलिए मुझे एहसास है कि क्या क्या कठिनाइयाँ एंटरप्रेन्योर के रास्ते में होती है और उस एहसास मैं उन बीते दिनों कि जो कठिनाइयाँ हैं उनको सॉल्व होता हुआ देखकर मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरे भाई बहनों ने बिहार के उस चुनौती को स्वीकार किया और आगे बढ़ रहे हैं।
प्रोडक्टिविटी, टोटल प्रोडक्टिविटी ऑफ स्टेट में कंट्रीब्यूशन धीरे धीरे आपका बढ़ता जा रहा है, इसके लिए हम सरकार की ओर से आपको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। और उन तमाम इंस्टीट्यूशंस को जो इन एंटरप्रेन्योर्स के प्रोग्रेस में, डेवलपमेंट में उनके सहयोगी हैं, उन्हें मदद करते हैं फाइनेंशियली या फिर जिस किसी भी माध्यम से, मैं उन लोगों को ट्रेनिंग के माध्यम से मैं उन लोगों को साधुवाद देता हूँ। आज बिहार के स्कोप को पूरी दुनिया धीरे धीरे जान रही है। मैं अभी गया था बेतिया, और बेतिया में एक जो वहाँ पर सरकार ने, मैं समझता हूँ कि एक हब बसाया है इंडस्ट्रीज़ का, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ का, उसे देख कर मेरा मंत्रमुग्ध हो गया और मुझे लगा कि बिहार में कुछ हो सकता है, कुछ और अच्छा हो सकता है। उसकी एक सुबह की किरण वहाँ पर मुझे दिखाई दी और मैंने देखा कि वहाँ पर जो हमारे सरकारी पदाधिकारी, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने विशेष इंटरेस्ट लेकर उसे डेवलप करने का काम किया है। ऐसा माहौल बिहार में बनता जा रहा है, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स के लिए जाने जाते थे ब्यूरोक्रेट्स, लेकिन वो धीरे धीरे अब मुझे लग रहा है कि एक वातावरण बन रहा है जिसके तहत ये सारी चीज़ें हो रही हैं। हमारे बिहार के सक्षम पदाधिकारियों ने भी यह जिम्मा लिया है कि आपको जहाँ तक मदद हो सकती है कानूनी दायरे में, तो मदद करना होगा। एक बात मैं बताना चाहता हूँ, मेरे मन में हमेशा रहा है कि स्टेट की प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए, स्टेट में फाइनेंस का इनफ्लो बढ़ना चाहिए, आउटफ्लो घटना चाहिए। ये जितने मैं कहता हूँ कि ट्रेड आवश्यक है, टोयोटा का शोरूम भी आवश्यक है, लेकिन टोयोटा का शोरूम बढ़ने से पहले टैंजिबल और इनटैंजिबल प्रोडक्शन सिस्टम जब तक बिहार में नहीं बढ़ेगा, जब तक यहाँ के ह्यूमन फोर्स का सदुपयोग, जो कि रॉ मटेरियल और इनपुट की तरह काम करता है, उसका प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ सदुपयोग नहीं होगा, इंडस्ट्री का जो नियम है इनपुट मशीन आउटपुट, इनपुट मशीन आउटपुट, ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम में आउटपुट जो है बिहार के बाहर नहीं जाएगा और इनपुट बिहार का रिसोर्स इनपुट के रूप में नहीं लगेगा, तब तक यह टोटल प्रोडक्टिविटी का जो एक मामला है बिहार का और बिहार के डेवलपमेंट का, वो थमा ही रह जाएगा। इसलिए यह बात ध्यान रखने की चीज़ है कि यदि हम टोयोटा का शोरूम यहाँ खोलते हैं तो बिहार के लोग उसको खरीदते हैं, ये पैसा कहाँ जाता है? ये पैसा वहाँ जाता है जहाँ या तो टोयोटा का शोरूम है, या जिन लोगों ने टोयोटा का, जहाँ टोयोटा का इंडस्ट्री है, या जिन लोगों ने इंडस्ट्री लगाई है और वो बिहार के बाहर है। लेकिन यदि किसी एंटरप्रेन्योर ने बिहार के अंदर वैसा प्रोडक्शन सिस्टम लगाया जिसमें बिहार के बच्चे, उसमें बिहार के नौजवान नवयुवती उसमें ट्रेनिंग करके काम कर रहे हैं, रॉ मटेरियल बिहार का लग रहा है और प्रोडक्शन हो रहा है बिहार के बाहर जा रहा है, तो बाहर का पैसा उसको बेचकर बिहार के अंदर आएगा। ये इनफ्लो बढ़ाने की जरूरत है। हम विकास के इस कॉन्सेप्ट को एक भावनात्मक रूप से हमें लेने की जरूरत है कि बिहार को इनफ्लो ऑफ इकोनॉमी की आवश्यकता है। हम पहले मनी ऑर्डर इकोनॉमी में जीते रहे हैं, हमारे लोग बिहार के बाहर जाकर काम करते थे, अपने माँ बाप के लिए मनी ऑर्डर भेजते थे और वही बिहार की इकोनॉमी को, ये बड़ी संख्या में था। लेकिन धीरे धीरे हमें खुशी है कि हम इन हाउस जनरेशन कर रहे हैं, इन हाउस प्रोडक्शन कर रहे हैं और प्रोडक्ट को हम बाहर भेजने की तैयारी कर रहे हैं और बड़ी संख्या में रोजगार है। ये हमारे बिहार के इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करेगा और आपके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी है वो सिर्फ टेंजिबल डेवलपमेंट सेक्टर में नहीं है, ये इंटेंजिबल डेवलपमेंट सेक्टर, जो सर्विस इंडस्ट्री है, जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, ये तमाम जो सिस्टम है ये मदद कर सकता है। आज हम एसोसिएशन को ढेर सारी बधाई देते हैं, पूरे एसोसिएशन परिवार को, और एंटरप्रेन्योर्स जो बिहार के अंदर काम कर रहे हैं उनको हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगले और जितने भी अवार्ड दिए गए हैं अभी, सारे एंटरप्रेन्योर्स को मैं बधाई देता हूं, और जो स्पोर्ट्स स्पिरिट है उसको बनाए रखने की ज़रूरत है। यह प्रतिस्पर्धा, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा है,
इसमें आगे बढ़ने की कोशिश हमेशा होनी चाहिए और हमारी शुभकामनाएं हैं कि जिन लोगों ने नहीं पाया है वो अगली बार उनको मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने बड़े भाई अशोक चौधरी जी के साथ मिलकर विधिवत आपके इस आयोजन का विधिवत उद्घाटन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।